अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। एक तो सबसे पहले जो अफसोसनाक खबर है वो कि आज ओमान में 636 केसेस रिपोर्ट हुए। दिन है जुमेरात का, तारीख है 28 मई 2020। तो हम बात करेंगे कुछ एरियाज़ में जो है वो चेक पॉइंट्स नहीं ख़त्म की गई और लॉकडाउन जो है लोग बहुत सारा सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि रूवी हमरिया वादी कबीर जो है वहाँ पर जो दार सज है वहाँ पर चेक पॉइंट्स क्यों नहीं ख़त्म की गई और वहाँ पर लॉकडाउन क्यों नहीं हुआ ख़त्म। तो चूंकि आपको बताता चलूं कि ये सारे एरिया जो हैं वलायत मतरा के अंदर आते हैं, वलायत मतरा के अंदर ये सारे एरियाज़ आते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है अब तक चेक पॉइंट जो हैं वो ख़त्म नहीं किए गए। सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जो हैं जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद कुछ सवाल जवाब होने के बाद जो है अलाउ किया जाता है वहाँ से बाहर निकला और अंदर आना। तो ये रीज़न है और ये जो जनरल हैं, जो कह लेंगे सीनियर पर्सन हैं इन पुलिस के आरोपी के, उन्होंने भी कन्फर्म किया, क्लेरिफाई किया है कि दिस इज़ द पॉइंट वाई दोज चेक पॉइंट्स आर नॉट वेव्ड येट। तो इन वादी कबीर, हमरिया, रूवी, दारसैद, यहाँ पर जितनी भी चेक पॉइंट्स हैं वो तब ख़त्म होंगी जब मथुरा का लॉकडाउन ख़त्म होगा। आप सबको पता है कि लॉकडाउन मथुरा में जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ। जो ही वो लॉकडाउन ख़त्म होगा, होपफुली दिस कमिंग वीक ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह, तो ये चेक पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी अहम बात यह है कि आज जुमेरात के दिन 28 तारीख को ओमान में 636 केसेज जो हैं वो रिपोर्ट हुए, जिनमें से ज़्यादा तादाद जो है वो ओमानियों की है 345 और एक्सपायर जो है वो कम है। तो चांसेस हैं कि मे बी दे विल नॉट लिफ्ट दैट कर्फ्यू इन दैट मथुरा और द सिचुएशन कैन बी वर्स। तो अभी कुछ भी कहना जो है वो कबल इस वक्त होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि केसेस जो हैं बढ़ेंगे एज़ पर दी गवर्नमेंट ऑफिशियल सेज द एक्सपर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड ऑल्सो दी WHO। उन्होंने बोला अभी ओमान में जो है चूँकि पीक पर नहीं पहुंचा कोरोना, तो चांसेस हैं कि केस बढ़ेंगे। तो सिर्फ दुआ करें कि ये लॉकडाउन जो है दोबारा से अप्लाई नहीं हो या कर्फ्यू की तरफ जो है वो हालात नहीं जाएँ, जल्द से जल्द जो है अल्लाह ताला इस वबा को ख़त्म करे और जितने भी मरीज़ हैं उनको शफा दे और जो फौत हो चुके हैं उनकी मगफिरत फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।